ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन की हैं। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और ये नया शानदार पार्लियामेंट देश की नई पहचान बनेगा। केंद्र सरकार ने नए संसद भवन के अंदर के लेआउट और नई तस्वीरें जारी की हैं। सरकार के द्वारा जारी की गई तस्वीरें बेहद भव्य हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये संसद भवन पुरानी संसद की तुलना में काफी बड़ा है। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में 800 सांसदों के बैठने की जगह है। इस बार नए संसद भवन में लोकसभा फ्लोर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर डिजाइन किया गया है। दीवार पर भी खास प्रकार की आकृतियां देखने को मिल रही हैं। 1200 करोड़ रुपए खर्च कर इस नए संसद भवन को तैयार किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। इसमें बड़ा हॉल, पुस्तकालय, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और सीमित कक्ष हैं। हॉल और कार्यालय कक्ष अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य जोरों पर है और इसका उद्घाटन इस साल मार्च में हो सकता है। ये नया संसद भवन सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी मजबूत है। बताया गया है कि नया संसद भवन पूरी तरह भूकंपरोधी है। नए संसद भवन में हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा गया है जो आने वाले लोगों का विशेष ध्यान आकर्षण करेगा। नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को साल 2020 में दिया गया था। उस समय अनुमान लगाया गया था कि 861 करोड़ में ये बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बाद में जब GST की दरें बढ़ी तो इस प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गई। ये नया संसद भवन 4 मंजिला है जहां पर लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल और कैंटीन सब कुछ मौजूद है। इसको बनाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये पुराना संसद भवन 95 साल पुराना था। ऐसे में सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से भी नए संसद भवन का निर्माण जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, लेकिन अब ये भवन बनकर तैयार होने को है। जल्द ही इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया है कि इस बार बजट पुरानी संसद में ही पेश किया जाएगा क्योंकि अभी भी नए भवन को बनाया जा रहा है। अब नया संसद भवन तो बनकर तैयार हो गया है, वहीं इस पुराने संसद भवन को म्यूजियम में तब्दील किया जा सकता है।